गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूनिक टायर क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका लेक्चर 3 लिमिट का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ की, इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको लिमिट का क्वेश्चन जो है इजी आप लगा सकते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। और इस लेक्चर को देखने से पहले दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि लिमिट का हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, तो आप उसको 2 लेक्चर देखने के बाद ये आप तीसरा लेक्चर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमने वहाँ पर बेसिक्स ही बता दिए थे। अब लिमिट में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का हमने बात किया था, जो कि हिंदी में सततता और असतत्ता बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और मेरे हिसाब से IIT JEE मेंस में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि आपको बेसिक के साथ साथ में मैं यहाँ पे IIT JEE के क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा और साथ में मैं आपको समझाता जाऊँगा, ताकि आपका जो बेसिक से एडवांस में जाए तो थोड़ा सा आपको वहाँ मेरे लेक्चर से आपको हेल्प मिल सके। तो आप पूरे इसको अच्छे से लेक्चर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि और पढ़ते समय दोस्तों यही मैं बोलूँगा कि आप पेन कॉपी मेरे साथ लेके बैठिए ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, और अपने पास एक गिलास पानी लेके बैठिए ताकि आपको अगर जब भी डिस्टर्ब हो तो आप जो है पानी पीकर अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, काफ़ी स्मूथ समझ आएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए लिमिट में हम बात करें तो लिमिट में हमने आपको बता दिया था फार्मूला बेस पे कैसे फार्मूला हम निकालना पहले सिखाए थे आपको, फार्मूला को रखना सिखाए थे हमने। एल हॉस्पिटल रूल के नियम से हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कई क्वेश्चन आपको मैंने दिया भी था, ठीक है। तो आप उसको लगाइएगा और उसको लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल्स, इसको हिंदी बोले तो बायां साइड और दायां साइड की कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे। तो बायां साइड और दायां साइड के केसेस में हम देखेंगे। देखिए ये इस ग्राफ को समझिए आप, ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है कि ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, दोनों केसेस दिया हुआ है। मान लेते इस केसेस में अच्छे से समझिएगा कि ये है आपका एक्स बराबर ए दिया हुआ है, कोई मान लेते हैं वैल्यू है एक्स बराबर ए दिया हुआ है, ये पॉइंट जो है ए को मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये लेफ्ट हैंड, ये क्या है लेफ्ट हैंड है, ये क्या है लेफ्ट से इधर ए की ओर जा रहा है, ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा ए लाइन है, ठीक है, ए हमारे यहाँ पर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये मिड पॉइंट पर है ए है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए जो है एक्स हमारा यहाँ पर है लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो एक्स लेस देन ए होगा, ठीक है, एक्स लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो एक्स लेस देन ए होगा। और ये ध्यान दीजिएगा एक्स जो है ए की ओर आ रहा है, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर आएगा तो ये क्या होगा आपका एक्स ग्रेटर ए हो जाएगा, ठीक है, एक्स ग्रेटर ए हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि एक्स जो है ए की ओर जाएगा, मतलब जो लेफ्ट जो है राइट की ओर जा रहा है, सॉरी लेफ्ट ये है और ये क्या कर रहा है इधर ए की ओर जा रहा है, एक्स जो है लेफ्ट ए की ओर जा रहा है तो एक्स लेस देन ए होगा, और एक्स जो है ये राइट से चलना प्रारंभ कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो एक्स जो है ए की ओर आ रहा है तो एक्स ग्रेटर ए हो जाएगा। इतना केसेस समझ आ गया। हमने क्या किया था, इसी केसेस को हमने लिमिट में शो करना चाहेंगे कि एक्स ए माइनस जीरो, देखिए इसका केसेस में भी मैं समझाऊंगा, एक्स टू ए माइनस जीरो इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि आप जो है लेफ्ट से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है लेफ्ट से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, इसका बस यही है, माइनस प्लस का गेमिंग बस यही शो करता है कि आप जो है लेफ्ट से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक्स टू ए माइनस ए के पावर में दिया माइनस, ठीक है, तो एक्स टू ए माइनस, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ये जो है लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, ये जो है लिमिट जो लगेगा लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। देन इसको समझिए, एक्स टू ए प्लस जीरो, एक्स टू ए प्लस जीरो आर एक्स टू ए प्लस, ठीक है, जब इसको बढ़ेंगे तो ये है राइट हैंड रूल्स के केसेस में आएंगे, ये माइनस जब लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जो होगा लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, और ए प्लस लगेगा तो ये समझिएगा राइट हैंड रूल लगेगा। इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसका जो फार्मूला शो करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड रूल्स के हिसाब से हम बात करेंगे, तो लिमिट एक्स टू ए माइनस लिमिट एक्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच
फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। देखिए एच जीरो मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एच का मान जो है जीरो होगा, ठीक है, बस एच टू जीरो दिया हुआ लिमिट, तो इसका एच का मान जीरो शो करेगा। माइनस केसेस इसलिए आया है क्योंकि ये जो है नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हम शो किए हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, लिमिट एक्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। एच टू जीरो इसलिए शो करें क्योंकि एच का मान जो है जीरो है, ठीक है। इसी केसेज में राइट हैंड रूल्स देखते हैं, सेम केसेज लगेगा। राइट हैंड रूल्स क्या होगा, लिमिट एक्स टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स टू ए, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टू जीरो लिमिट एच टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। एच के वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो है, इसलिए यहाँ पे ए प्लस ना ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको हटा दूँ ए प्लस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो हमें जो एच का मान जो यहाँ पे है जीरो को शो करने को रिप्रेजेंट बता रहा है कि एच का मान जो होगा जीरो होगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर देखिए इस केसेज में हमने आपको स्टार्टिंग में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की हमने चर्चा किया था, ठीक है, जिसको हिंदी में सततता बोलते हैं। देखिए इस केसेज अगर आता है लिमिट एक्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टू ए प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए प्लस एफ एक्स, अगर ये बराबर अगर आ रहे हैं, अगर ये बराबर अगर आ रहा है तो पता है इस केसेस में हम क्या करेंगे, ये जो दिखा रहा है देखिए जगह ना होने के कारण मैं ऊपर में लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ, देखिए एफ एक्स के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं फंक्शन ऑफ ए माइनस एच ले सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा जीरो दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा एच टू जीरो, है ना, तो इसके बराबर ये, ठीक है, बराबर माइनस, देखिए ये माइनस, अब देखिए इसका जो फंक्शन है हमने ये उठा कर रखा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट एस टू जीरो, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस एच इसका जो फंक्शन वैल्यू है ये हम उठा कर रख दिए, तो ये जो आपस में बराबर होगा तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा ये कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा ये कंटिन्यूटी होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूटी होगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा ये किसी भी लाइन को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कि जब दो फंक्शन हो लिमिट लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल अगर आपस में बराबर आता है तो वे जो होगा वह सततता को डिफाइन करेगा, वह सततता को डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हिंदी में इसको क्या बोलेंगे ये सततता को लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये सततता होगा या सतत होगा, ठीक है। अगर आपस में बराबर होगा तो वह कंटिन्यूटी होगा या फिर सततता होगा, इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए लिमिट एक्स टू, देखिए अब क्या है लिमिट एक्स टू ए माइनस लिमिट एक्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अगर ये बराबर अगर नहीं होता है, अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये क्या होगा डिसकंटिन्यूटी होगा, क्या होगा ये डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है, ये क्या होगा डिसकंटिन्यूटी होगा, डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर ये असतत्ता, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं असतत्ता होगा या अस्तविहीन, एक हिंदी में और नाम इसका आता है कि ये अस्तविहीन होगा, ठीक है, ये जो होगा असतत्ता होगा या अस्तविहीन होगा जब लिमिट लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल अगर आपस में बराबर अगर नहीं होता है तो वह क्या होगा वह डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर होता है तो ये कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, अगर लिमिट लेफ्ट हैंड रूल और नॉट इक्वल टू राइट हैंड रूल अगर आपस में अगर आता है तो ये जो होगा डिसकंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा कंटिन्यूटी होगा या कंटिन्यूटी होगा, ठीक है, इतना समझ आ गया, ये जो होगा कंटिन्यूटी होगा, सतत्ता और असतत्ता। क्वेश्चन पर हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे हम जो कि आपको हम समझाएंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि लिमिट कंटिन्यूअस, इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये चार क्वेश्चन हमने आपको सामने रखा है 1, 2, 3 एंड 4, इसमें चेक करना है कि मेरे को कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, और इसको हिंदी में बोलते हैं सततता होगा कि असतत्ता होगा या अस्तविहीन होगा, ठीक है, असतत्ता मतलब डिसकंटिन्यूअस, असतत्ता मतलब कंटिन्यूअस,
ये मेरे को यहाँ पे शो करना है। तो आपको जो फार्मूला हमने बताया उसी फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे हम चलेंगे। देखिए एक ध्यान दीजिएगा कि अगर मॉड के अंदर, मॉड के अंदर कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे x माइनस टू दिया, एक्स प्लस फाइव देगा, समथिंग जो भी देगा, तो इसका एक फंक्शन होता है, आप हमेशा याद रखिएगा, इसके बिना इसका दो फंक्शन होता है। अगर मॉड में अगर कोई भी फंक्शन अगर दे रहा है, मॉड में अगर कोई भी फंक्शन दे रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको लिखिएगा x, ठीक है, और ये लिखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x का मान जो है जीरो से बड़ा होगा, मतलब वन टू समथिंग कुछ भी होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा, मतलब अगर पॉजिटिव केसेज आएगा तो x प्लस में होगा, और x माइनस के साथ माइनस x, ये जो होगा x लेस देन जीरो, ये दो फंक्शन हमेशा बनाता है ये। तो इसी फंक्शन पर हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना फर्स्ट वाला, ठीक है, तो ये जो है इसी क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप जो सोल्यूशन देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एस टू टू एक्स माइनस टू डिवाइड मॉड में एक्स माइनस टू। देखिए मॉड के अगर फंक्शन कुछ भी अगर आता है, मॉड के अंदर फंक्शन कुछ भी आता है, तो ये इसका दो फंक्शन मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है। अगर मॉड लिखा हुआ तो मॉड का दो फंक्शन लिखेगा, मॉड अगर आता है तो मॉड का दो फंक्शन मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक होगा माइनस x, x लेस देन जीरो, ठीक है। इस केसेज में अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा फंक्शन के रूप में तो क्या होगा, देखिए मॉड के लिखना चाहूँगा तो यहाँ क्या होगा, देखिए मॉड के लिखने की प्रोसेस में बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ गए इसको, इसको मैं साफ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए x माइनस टू मॉड के अंदर में, और एक रहेगा x माइनस टू माइनस के साथ में रहेगा, ठीक है। इस केसेस में इसको हम शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट यहाँ पे दिया है जीरो था वहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट क्या दिया, टू दिया हुआ ना, तो यहाँ पे आप लिमिट क्या करेंगे, टू रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, टू रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो आपका एक पॉजिटिव के केसेस में, एक नेगेटिव के केसेस में, अगर लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, तो ये लेफ्ट के केसेस बता रहा है, और राइट हैंड रूल लगाते हैं तो ये आपका ये केसेस बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टू टू पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, है ना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टू टू पॉजिटिव फंक्शन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टू मॉड में जो है, देखिए एक बार पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो x माइनस टू आएगा, ठीक है, x माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगेगा, है ना, तो एक बार x माइनस टू आता है, यहाँ इस केस में क्या होगा, आपस में ये और ये आपस में कट जाएगा, तो ये आएगा वन आएगा, ठीक है। इसी तरह लिमिट x टू टू माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, माइनस इसलिए लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि ये लेफ्ट हैंड रूल होगा कि राइट हैंड रूल होगा, ठीक है। लिमिट एक्स टू टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस, देखिए ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, तो ये और ये आपस में कटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस होना आएगा, क्या होगा, माइनस होना आएगा। तो आपको ये होता है कि लिमिट एक्स टू टू पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और ये लिमिट एक्स टू टू माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, आपस में क्या ये बराबर है, क्या नहीं बराबर है ना, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा ये, इसलिए ये होगा डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, या इसको बोलते हैं असततता, क्या बोलते हैं असततता, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, असततता, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर टू दिया है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में एक्स बाई एक्स दिया हुआ, मॉड में एक्स बाई एक्स दिया हुआ है, हमको किस पे लिमिट पे निकालना, लिमिट एक्स टू जीरो पे निकालना, हमको क्या एस पे निकालना, लिमिट एक्स टू जीरो पे निकालना है, तो मुझे एक्स टू लिमिट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टू जीरो, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर जब भी मॉड के केसेज में आएगा तो मॉड के केसेज में दो चीज़ बनेंगे, दो फंक्शन बनेंगे, मैंने आपको बताया था कि एक्स अगर रहेगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर माइनस x रहेगा तो यहाँ पर x लेस देन जीरो, ये इसी दो फंक्शन को हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टू जीरो जीरो माइनस, ना हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव केसेज में ले जा रहे हैं, देखिए नेगेटिव केसेज में ले जाए तो ये माइनस x रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस
एक्स बाई एक्स हो जाएगा। जब ये आपस में कटेंगे तो ये माइनस वन आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव केसेस में जब ले जाएंगे यहाँ पे, तो लिमिट एक्स टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स स्थान पर क्या रखेंगे मॉड में, ये देखिए प्लस के साथ रखेंगे तो ये आएगा, तो मॉड के स्थान पे मॉड एक्स के स्थान पे एक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो ये जो आपस में कट जाएंगे तो ये कितना आएगा वन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो इस केसेस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन लिमिट एक्स टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए सॉरी जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये आपस में क्या है ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा ये जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है। ये क्या होगा डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है। तो या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं ये होगा असतत्ता होगा, क्या होगा ये असतत्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, मॉड में सॉरी फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, तो लिमिट एक्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दिखाना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन को आप जो है ना, जैसे आप ए माइनस जीरो माइनस किए ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर दिखाते हैं जीरो माइनस, ठीक है, एच दिखाते हैं जीरो माइनस एच, माइनस एच यहाँ पर भी होता और यहाँ पर क्या था प्लस एच आता, ठीक है, क्योंकि एक्स स्थान पर आप एच रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या था एच एच से कैंसिल हो गया था, यहाँ पर माइनस वन आ गया होता। इसी केसेस में अगर बात करेंगे यहां पे, तो ये अगर आप लिमिट रखते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स तो लिमिट एक्स टू जीरो प्लस, ठीक है, जीरो प्लस में दिया था मतलब राइट हैंड रूल, ठीक है। तो आप जब लगाएंगे फंक्शन ऑफ एफ एक्स तो बराबर यहां पे क्या लिखते हैं लिमिट एक्स टू जीरो प्लस, ठीक है, यहां पर क्या होता है एस टू जीरो, ठीक है, ए प्लस एस लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं ए प्लस एस लिखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं x के स्थान पे क्या आता है h आ गया, तो h बाई h करते थे, यहाँ पे कितना आ जाता वन आ जाता। इस केसेस में क्या होता है फंक्शन जो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आपस में बराबर नहीं थे, इसलिए जो होता ये डिसकंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपको मैं ले चलता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री पे हम आते हैं, देखिए फंक्शन आपका यही दिया रहेगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री बन गया आपका, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपको इस पर दिखाना है कि क्या ये जीरो है कि नहीं है, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ये आपको क्वेश्चन पे बोलेगा कि सतत्ता होगा कि ये असतत्ता होगा। तो आप पता है क्या करेंगे, आप इतना तो लिखेंगे क्वेश्चन, फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टू, ठीक है, आप क्या करेंगे जीरो माइनस, क्या करेंगे जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस एच आ जाएगा। अगर पॉजिटिव केसेस में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, एच तो लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जीरो रखना है, तो ये क्या आएगा जीरो के केसेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा जीरो आएगा, नेगेटिव केसेज में क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है। लिमिट राइट हैंड रूल चलते हैं, तो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टू जीरो प्लस के साथ में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस एच हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो लिमिट आपका जीरो शो करेगा, लेकिन जब हम एक्स से जब लिमिट यहाँ पे शो कर देंगे भी क्या आएगा जीरो आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल जो है आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए जो है ये डिसकंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप इसको जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि लिमिट एक्स टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे लिमिट एक्स टू ए जीरो माइनस एफ एक्स लिमिट एच टू जीरो, ना लिमिट एच टू जीरो ए माइनस एच या ए माइनस एच करते थे, ये तो जीरो दिखा रहा है, क्योंकि आप जो है एच की वैल्यू तो जीरो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स का मान जो है यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ना, तो ये जीरो आ जाएगा। तो एक्स एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा ये जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, मॉड एक्स के लिए जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब असतत्ता होगा, ठीक है। आपका एक फंक्शन दिया हुआ है लिमिट, क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं, जैसा आपने टू लगाया था वैसा क्वेश्चन नंबर थ्री है, तो लिमिट एक्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दे रहा है, इस पर मेरे को शो करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब सतत्ता होगा कि असतत्ता होगा। तो इस केसेज में हम चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका जो होता है लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लिमिट एक्स टू
जीरो माइनस मतलब ये क्या दिखा रहा है कि नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव मतलब दिखा रहा है तो लेफ्ट हैंड रूल चलेंगे ना। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, जीरो माइनस एच, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने क्या किया एच किया, क्योंकि ये क्या कर रहा है लेफ्ट हैंड रूल से चलना प्रारंभ कर रहा है। अब एच टू जीरो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड रूल से चलते हैं तो लिमिट एच टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, अब देखिए ध्यान दीजिएगा लिमिट एच टू जीरो, जहाँ पे जीरो प्लस हमने रखा था वहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे जीरो प्लस एच लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड रूल दिखा रहा है तो जीरो प्लस एच रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए एच टू जीरो शो करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा जीरो। तो ठीक है, तो इस केसेज में लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल जो होगा आपस में बराबर होगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये जो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये सततता को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं, जब भी मॉड केसेस में आए तो आप इस तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन fx इज इक्वल टू, इसके अंदर में दो फंक्शन है, fx का मतलब ये या ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4 और 4x³ - 3x, ठीक है, इसका लिमिट दिया हुआ 0 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1, और इसका लिमिट दिया हुआ है, इस फंक्शन का लिमिट दिया हुआ है 1 < x < 2, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल रखना है और राइट हैंड रूल रखना है, तो इस केसेज में कैसे सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए इस लिमिट को पकड़िएगा, लिमिट जब पकड़ लेंगे तो आपको लेफ्ट और रूल और राइट हैंड रूल जो है यहीं से पता चलेगा। तो ये जीरो जीरो लेस, देखिए जीरो लेस देन दिया हुआ है तो मतलब एक्स का मान जो है जीरो से बड़ा है, ठीक है, एक्स मान जो है जीरो से बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रहा है लेस लेस देन इक्वल टू वन ना, लेस देन इक्वल टू वन मतलब अब बोलता है कि एक्स मान जो है जीरो से बड़ा है लेकिन क्या है ये जो बराबर है ना, तो या तो माइनस के साथ आएगा या तो प्लस के साथ आएगा। देखिए इस केस में क्या बोल रहा है, एक्स के मान जो है वन से बड़ा है लेकिन टू से छोटा है, तो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, वन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डायरेक्ट दो ही लिमिट दिया हुआ है कि दो इंटरवल दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं एक्स का मान जो है वन से बड़ा है और दो से छोटा है तो किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, दो से छोटा है मतलब वन ही पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब एक्स प्लस के साथ लेंगे, और ये जो होगा एक्स लेस देन जीरो मतलब लेस देन, अब यहाँ पे क्या दे रहा है लेस देन इक्वल टू वन, तो ये माइनस के किस में आएगा मतलब एक्स का मान जो होगा जीरो से बड़ा होगा लेकिन वन से छोटा होगा, ठीक है, वन से छोटा होगा लेकिन बराबर होगा, तो माइनस वन के केसेस में हम देखेंगे तो माइनस वाला ये पकड़ेंगे और प्लस वाला ये पकड़ेंगे, तो अब ये पता चल गया कि ये लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और ये जो है नीचे वाला राइट हैंड रूल लगेगा। तो देखिए लिमिट ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे x2 - 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स के स्थान पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5x, ठीक है 5x। देखिए x स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, आपके जो हमने पिछला मेथड बताया था कि 1 - h रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 1 - h, क्योंकि s, अब देखिए इसका जो लिमिट हम रखेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे लिमिट एस टू जीरो, लिमिट एस टू जीरो यहाँ पे क्या दिया है -4, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है -4, तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा लिमिट एस टू जीरो 5 - 5h और -4, ठीक है। अब क्या करेंगे h का जो वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये क्या आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 - 4 बराबर कितना आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये तो ये आपका था लेफ्ट हैंड रूल, क्या था ये लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और ये हो जाएगा राइट हैंड रूल। देखिए राइट हैंड रूल के केसेज में बात करेंगे तो लिमिट एक्स टू 1 प्लस के साथ में फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एस टू 0, ठीक है। अब देखिए हमने राइट हैंड रूल के केसेज में ये बात करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 4, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 + h, कितना लेंगे 1 + h का क्यूब - 3 1 + h
ठीक है, 1 प्लस एच, ये जो लिमिट दिखाएगा एच टू जीरो। अब क्या करेंगे, हमने तो लिमिट तो रख दिया, यहाँ पे लिमिट रख दिया, तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये लिखाएगा 4 1 प्लस एच का क्यू, यहाँ पर 3 1 प्लस एच। जब एच का वैल्यू जो हम यहाँ पर रखेंगे जीरो, है ना, एच का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जीरो, तो 1 का क्यू 1 आएगा और 3 1, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 1। तो 1, अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल जो है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टू माइनस 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, आपस में क्या ये बराबर है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो होगा कंटिन्यूस होगा, ये जो होगा कंटिन्यूस होगा, मतलब ये जो होगा सतता को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है सतता को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने आपको चार क्वेश्चन बताए हैं, इसी के कॉन्सेप्ट से आप जो है आगे क्वेश्चन लगा सकते हैं, इस पर हम काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे। तो उसे क्वेश्चन कराने से पहले जो है कुछ मैं आपको घर का होमवर्क देता हूँ, ताकि आप उसको लगाइएगा, और आपको मैं उस क्वेश्चन में हिंट भी दे दूंगा, काफ़ी क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है। दोस्तों ये आपका एस डब्ल्यू का होमवर्क है, हमने 6 क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स टू 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, ये क्या दिखाना है, कंटिन्यूटी होगा कि डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस के केसेस में क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। और इसमें क्या बताता है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस केसेज में हम जो आपको जो मेथड हमने सिखाया है वही मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि लिमिट जब हम पुट करेंगे, जो भी लिमिट में दिया रहेगा 1 2 3 4, जब 1 माइनस 1 2 माइनस 2 0, चाहे कुछ भी दिया हो, तो आप हमेशा जो है एक्स का स्थान पे, आप हमेशा एक्स स्थान पे, जैसे आपका ये दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर नेगेटिव शो करना है, मान लेते हैं यहाँ पे माइनस 1 शो करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट, देखिए लिमिट यहाँ पे क्या करें, एस टू जीरो, क्या दिखाएंगे यहाँ पे, एस टू जीरो, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 1 माइनस एच, ठीक है। तो जहाँ एक्स होगा वहाँ पे आप 1 माइनस एच रखेंगे, और पॉजिटिव केसेज में क्या करेंगे कि लिमिट एक्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स स्थान पे होगा 1 प्लस एच, ठीक है। 1 प्लस एच ये रिप्रेजेंट करेगा आपका राइट हैंड रूल, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा एक्स स्थान पर अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस एच रखेंगे, और नेगेटिव रहेगा तो 1 माइनस एच रखेंगे। बाय द वे लिमिट अगर 0 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बाय द वे 0 होता है, तो लिमिट यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होता, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता। अगर मान लेते यहाँ पे लिमिट 2 होता, तो माइनस 2 यहाँ पे क्या आता, 2 माइनस एच हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव के केसेस में बात करेंगे, तो 2 प्लस के केसेस में अगर रहता, 2 प्लस के केसेस में रहता, तो यहाँ पे क्या आता कि लिमिट एच टू 0 2 प्लस एच हो जाता। जो लिमिट दिया रहेगा उसी के हिसाब से बात करेंगे। अगर मान लेते हैं लिमिट अगर 3 होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर लिमिट 3 होता, तो 3 माइनस के साथ दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। और यहाँ पे अगर 3 प्लस के साथ में रहता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस के साथ में यहाँ पे 3 प्लस एच कर देते हैं, 3 प्लस एच करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिमिट को रिप्रेजेंट करने के तरीका है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन है, ये जो है घर पे, घर के लिए आपका है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूँ कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है ये, मतलब सतत्ता और असतत्ता निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आप यूपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आप IIT और JEE के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है, कॉन्सेप्ट देता है, ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, वे निकालने के लिए आपको देते हैं, तो ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन JEE मेंस में क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पर फंसेंगे, क्वेश्चन सब नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइड एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स टू 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है। तो आप इसको चेक करेंगे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पर, ठीक है। तो जो केसेस हमने अभी बताया था आपको, ठीक है, उसी केसेस पर इसको लगाएंगे, ठीक है, ठीक है।
अब आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। हिंट आपको मिल चुका है, एक्स स्थान पर यहाँ पे क्या रखेंगे, वन है ना, तो वन वन प्लस वन। देखिए अगर नेगेटिव के केसेस में होगा, एक्स स्थान पे आप क्या पुट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर नहीं आ गया तो आप जो है मेरे को कॉमेंट में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमारा फंस रहा है, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सअप पर क्वेश्चन को भेजिए, इसका मैं सोल्यूशन यहीं से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए, अगर क्वेश्चन बाय द वे चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर दिखाते हैं कैसे लिखना है आपको। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है, डिवाइड में यहाँ पर क्या दिया, एक्स माइनस वन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लेफ्ट हैंड रूल से पहले चेक करेंगे यहाँ पे, तो क्या दिखाएंगे, लिमिट एक्स टू वन माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स का स्थान पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स स्थान पे क्या रखेंगे, वन माइनस एच, डिवाइड यहाँ पे क्या जाएगा, वन माइनस एच, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन, ठीक है। अब देखिए ध्यान दिएगा, ये तो हमने डायरेक्ट किया, इस डायरेक्ट केसेस में ना करके आप एक एक स्टेप और लिखिएगा यहाँ पे, एक स्टेप और लिखिएगा कि लॉग एक्स डिवाइड एक्स माइनस वन बराबर लिमिट एच टू ज़ीरो, है ना, एच टू ज़ीरो लॉग वन माइनस एच, डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस एच माइनस वन, ठीक है। एक्स स्थान पे हमने क्या रखा है, वन माइनस, देखिए वन माइनस एच रखा है, ये और ये आपस में कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, एच को हम वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, जीरो दिखा रहे हैं, तो लॉग कितना आ रहा है, लॉग लॉग वन आ रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, माइनस एच मिल रहा है, तो लॉग वन की वैल्यू कितना, तो जीरो बाई माइनस एच आएगा, जीरो बाई माइनस एच आएगा। एच की वैल्यू यहाँ पे क्या रख रहे हैं, जीरो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो इस केसेज में हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका वैल्यू जो होगा जीरो आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव के केसेज में हम चेक करेंगे जब, तो पॉजिटिव के केसेज में जब चेक करेंगे तो मान लेते हैं लिमिट एक्स टू वन प्लस के साथ लॉग एक्स डिवाइड वन माइनस एक्स, ठीक है। पॉजिटिव के केस में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स डिवाइड लिमिट एच टू ज़ीरो, लिमिट एच टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ लॉग, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एच, डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एच और माइनस एच, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केसेस में क्या जाएगा, एच की वैल्यू जो है हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग वन की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, यहाँ पे वन, तो ये क्या जाएगा, जीरो बाई वन बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो इस केसेस में लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल जो है आपस में बराबर है, इसलिए जो होगा कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंटिन्यूस को शो करेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, आपको हिंट देते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, आपको हिंट देते हैं, आप अच्छे से समझिए। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड में एक्स है, ध्यान दीजिएगा, मॉड जो अभी हमने आपको बताया था ना, इसका दो फंक्शन होता है, दो फंक्शन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि जब भी मॉड अगर दिखे ऐसा, तो ये इसका जो फंक्शन होता है एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इसका अगर पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स जो भी लिमिट होगा यहाँ पे, लिमिट जीरो टू टू वन जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो दिया तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स के केसेज में लिखेंगे एक्स लेस देन जीरो, तो ये लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, इस केसेज में सिर्फ आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखेंगे एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, एक बार पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव करते हैं तो आप दिखाते हैं, तो इस केसेज में आप यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए जीरो प्लस एच रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, एच आएगा, तो यहाँ पे एच एच आप दिखाएं, यहाँ पे क्या है, लिमिट होगा जीरो, एच टू जीरो, क्योंकि आप इसी कॉन्सेप्ट से जब लगाएंगे यहाँ पे, तो इस टाइप का आप क्वेश्चन को लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो 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 केसेज में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे राइट हैंड रूल्स, तो इसका भी क्या आएगा, माइनस ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पे भी ये खत्म, इस केसेज में भी ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर टू में ध्यान दीजिएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड में एक्स डिवाइड एक्स दिया हुआ है, तो आपको पता है मॉड एक्स का जो एक फंक्शन होता है प्लस और माइनस ना, तो प्लस केसेज में क्या देगा, एक्स लेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस के केसेज में रहेगा तो एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस केस में जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे जो लिमिट रहेगा, तो जीरो प्लस एच रखेंगे और जीरो माइनस एच रखेंगे, तो जहाँ पे फंक्शन एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच रखेंगे, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, देखिए आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको सेम क्वेश्चन है, हल्का कॉन्सेप्ट सेम है इसका, क्वेश्चन जो है देखिए अलग है, x प्लस मॉड में x और डिवाइड में यहाँ पे क्या दिया, x दिया। अगर आप जीरो के केस में दिखा रहे हैं, क्योंकि आप क्या लिमिट रख रहे हैं, यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे जीरो, माइनस से चेक करेंगे यहाँ पे, तो फंक्शन fx, ठीक है। तो आप लिखेंगे x प्लस मॉड में x
डिवाइड एक्स, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो आप एक्स स्थान पे जीरो जीरो माइनस के केसेस में लिखेंगे, यहाँ पर होगा जीरो माइनस एच, और यहाँ पर जगह मॉड में देखिए मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर पॉजिटिव केसेस क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगह जीरो प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, जीरो प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा एच निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, करेंगे जीरो माइनस एच किया ना तो यहाँ पे भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है, मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर में अगर माइनस अगर हो तो वो क्या बनाता है, प्लस बनाता है। आपने पढ़ा होगा कि मॉड के अंदर अगर मॉड के अंदर का फंक्शन माइनस नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है, तो ये केसेस में क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये जीरो आ जाएगा। अब देखिए अब सही है, अब इसको भी पॉजिटिव करेंगे मॉड के अंदर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, जीरो प्लस एच करेंगे, ठीक है, तो ये एच आएगा, ये अब जोड़ेंगे देखिए एच प्लस एच टू एच बाई टू एच और डिवाइड एस, तो आपस में कर देंगे ये क्या आएगा, टू आएगा। एक की वैल्यू हमारा क्या दे रहा है, लेफ्ट हैंड रूल जो हमारा दे रहा है, लेफ्ट हैंड रूल नॉट इक्वल टू राइट हैंड रूल, तो ये क्या दर्शाएगा, ये डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये अस्तविहीन होगा, असतत्ता होगा, ठीक है, ये अस्तविहीन होगा और असतत्ता होगा, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री में है, देखिए मैं हिंट सिर्फ दूंगा, अब आप क्वेश्चन खुद से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन देने का मतलब कोई मतलब निकलेगा नहीं, मैं सब बता दूंगा। तो समझिए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड मॉड में एक्स माइनस वन है। देखिए यहाँ पर मॉड एक्स आ रहा है तो मॉड एक्स का फंक्शन आपको ये रखना पड़ेगा, है ना, मॉड एक्स का फंक्शन ये रखना पड़ेगा। तो आप इसके स्थान पे ये दो फंक्शन रखेंगे, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिमिट कितना दे रहा है, यहाँ पे वन दे रहा है, यहाँ पे लिमिट कितना दे रहा है, वन दे रहा है, तो एक पॉजिटिव लिमिट के साथ और एक नेगेटिव लिमिट के साथ, लेफ्ट हैंड रूल एक बार राइट हैंड रूल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, आप जब भी लिमिट रखेंगे तो x इज इक्वल टू वन प्लस एच, जो भी दिया रहेगा वन प्लस एच, एच इज इक्वल टू जीरो, हमको क्या दिखाना है, h का मान जो है हमने मान लिया है जीरो, तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये खुद से आप चेक कीजिएगा कि कंटिन्यूस होगा और या तो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, अगर इस टाइप का हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चार पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर चार पर दिया है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में एक्स प्लस मॉड में एक्स माइनस वन। देखिए यहाँ पे भी दो फंक्शन लगे, एक दो फंक्शन ये वाला और दो फंक्शन ये वाला, तो आप सेलेक्ट करेंगे कि नेगेटिव वाला कौन सा केसेज होगा और पॉजिटिव कौन सा केसेज होगा, और उसकी जो सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो ये मेरे को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दर्शाना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, मेरे को प्रूव करना है कि लिमिट एक्स टू वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन आना चाहिए। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल इसी तरह करेंगे आप, ठीक है। तो फंक्शन जहां पर देखिएगा मॉड लगा हुआ है, जहां पे मॉड लगा हुआ है उस केसेस में आप जो है इस फंक्शन को दो गो रिप्रेजेंट करिएगा, दो ठीक आप यहां पे लिखिएगा, एक्स के स्थान पे आप जीरो प्लस एच या जीरो माइनस एच या जीरो जीरो टू प्लस एच या टू माइनस एच, ये आप लिमिट जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं, देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में साइन एक्स बटे एक्स दिया हुआ है। देखिए मॉड में साइन एक्स तो आपका पता है जो साइन एक्स होगा यहाँ पे मॉड में दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स पॉजिटिव साथ एक्स, देखिए लिमिट क्या दिया, एक्स टू जीरो दिया हुआ, तो एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप जब फंक्शन बनाए तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स पॉजिटिव के साथ, और इसी तरह आएगा माइनस नेगेटिव को साइन एक्स आ जाएगा, तो ठीक है। एक बार पॉजिटिव के साथ रखेंगे, एक बार नेगेटिव के साथ रखेंगे, तो आपने पढ़ा होगा एक बहुत अच्छा, मैंने आपको मेथड बताया था, एक फार्मूला बताया था, इसको मैं साफ करता हूँ। देखिए एक आपको हमने फार्मूला बताया था कि जब भी इस केसेज में होगा लिमिट एस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर वन होता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं लिमिट एस टू जीरो साइन एच बाई एच बराबर कितना होता है वन होता है, कितना होता है वन होता है, ये आपको हमने बताया था, ठीक है। तो एक एक वन आएगा और एक माइनस वन आएगा, ठीक है। तो देखिए आप एक पॉजिटिव के साथ रखें तो साइन एक्स बाई एक्स करेंगे या एच बाई एच करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा वन मिलेगा, तो एक वन का वैल्यू मिलेगा। अब नेगेटिव केसेज में देखेंगे, मतलब आप लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे तो अब क्या आएगा एक नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस साइन बटे माइनस साइन एक्स बटे एक्स आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। जो आप पुट करेंगे तो क्या होता है लिमिट एच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स जो होगा या साइन एच बाई एच दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से हम उसको वन मान लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं।
फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री और एक फंक्शन दिया एक्स प्लस के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको शो करना है कि ये कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, के पर ये कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, ये ध्यान देगा, इस पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इस पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले लिमिट को सिलेक्ट करना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो आप जो है टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स का मान है, एक्स का मान है टू से छोटा है, ठीक है, टू से छोटा लेकिन बराबर है। इस केस में दे रहा है कि एक्स का मान है जो टू से बड़ा है, ये पॉजिटिव केसेस में रिप्रेजेंट करेगा और ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा यहाँ पे और ये जो होगा राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट लगेगा और ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा। तो इस टाइप का आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है। तो इस केसेस में कुछ ऐसा आपका समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगा, देखिए यहाँ पे इस टाइप के आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा लेफ्ट हैंड रूल एक्स टू टू माइनस, ठीक है, फंक्शन जब आप लगाएंगे ये वाला लगाएंगे टू एक्स और प्लस थ्री, ठीक है, और ये आपस में होना चाहिए लिमिट एक्स टू टू प्लस फंक्शन ऑफ, देखिए एक्स प्लस के लिखेगा, एक्स प्लस के लिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसका जो होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे नम, तो ये क्या आएगा, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये के का मान को फाइंड करने के बोला, के को हमको मान को निकालना है, तो के का मान कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आंसर बताता हूँ, के का मान जो होगा यहाँ पे कितना आना चाहिए, फाइव आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और हिंट देता हूँ, जब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकलेगा, सेवन निकलेगा, ठीक है, ये कितना लगेगा टू, और ये के निकलेगा, ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो के बराबर कितना जाएगा, सेवन माइनस टू करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हमने छः क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और जो है इसको आप लगा भी लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ट्वेल्थ में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों हमने आपको सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया और मैंने लिमिट के हिसाब से जो इस टाइप के क्वेश्चन को फंक्शन के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटर में आते हैं क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आप जैसे आईआईटी और जेई मेंस का अगर पेपर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको बनना चाहिए। और आप जो है सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्त के पास भी ये भेजें ताकि आपकी जो फ्रेंड हो, सर्कल हो, वो भी इस लेक्चर को देख के आगे बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये जितनी भी हम YouTube पर क्लास ले रहे हैं आपका फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई भी पैसा के चार्ज नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फुल सोल्यूशन दूंगा। मैंने बोला है कि पूरी क्लास का जो टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ, मतलब मैं अभी सिर्फ एलेवंथ और ट्वेल्थ के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पूरी बुक को सॉल्व करना बताऊँगा, ठीक है। तो आपका यही है दोस्त कि आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को, तो आप सपोर्ट करें ताकि मैं जो हूँ लाइव क्लास इसको ले पाऊँ, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इसे अपने फ्रेंड में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी हैं वहाँ पर आप इसको शेयर करें, ठीक है। और हमारे क्षेत्रवासी जितने भी हैं इनका रेलवे एसएससी, बैंक का, पुलिस का, सभी के यहाँ पे तैयारी कराए जा रहे हैं, ठीक है। आप क्लास आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लास चार दिन का ट्रायल क्लासेस रखा गया है, 20 नवंबर से क्लास स्टार्ट है। आप यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं रेलवे एसएससी, पुलिस, बैंक वाले जितने भी हैं, आप यहाँ पर आके क्लास अटेम्प्ट करें, ओके, थैंक यू।